अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुपरविजन क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरविजन को देखेंगे हम, सुपरविजन और इंस्पेक्शन का जो डिफरेंस है उसको देखेंगे, मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग इसको भी हम एक टच देंगे और इन दोनों में भी हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक हो गया, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सुपरविजन। जो सुपरविजन है वो बेसिकली जो है सुपर और विजन इन दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ये है कि भाई आप हाई लेवल का विजन होता है आपका किसी भी चीज़ के हवाले से। ठीक हो गया, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सुपर विजन इज़ अ प्रोफेशनल गाइडेंस, या हम ये भी कह सकते हैं कि सुपर विजन इज़ अ प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द मोर स्किलफुल पर्सन टू द लेस स्किलफुल पर्सन, या हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है जो कि मोर नॉलेजेबल अदर प्रोवाइड करता है लेस नॉलेजेबल अदर को। ठीक हो गया, अब इसमें जो है ना फ्रेंडशिप का अंसर पाया जाता है, हेल्पिंग वे पाया जाता है, कॉपरेशन पाई जाती है, असिस्टेंस पाई जाती है और पॉजिटिविटी पाई जाती है। ठीक हो गया, अब ये एक तरह की मदद है, एक तरह की असिस्टेंस है सुपरविजन, जो कि डेवलपमेंट के लिए की जाती है। अब डेवलपमेंट किस चीज़ की? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की। ठीक हो गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके गोल्स को अचीव करने के लिए जो ज़्यादा स्किलफुल या सीनियर पर्सन होगा वो प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड करेगा न्यू मेंबर को या अनस्किलफुल मेंबर को। ठीक हो गया, ये होती है हमारी सुपरविजन। अब वो गाइड भी करता है, वो डायरेक्ट भी करता है, वो उसको करेक्ट भी करता है, उसको प्रिकॉशंस भी बताता है और जितनी भी ड्यूटीज़ एक सुपरवाइज़र की हो सकती हैं वो प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं कि असल में इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन जो है ये फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, किस चीज़ को फाइंड आउट करने का, डेफिशिएंसीज़ को, रूल्स की वायलेशन को फाइंड आउट करने का और फॉल्ट्स वगैरह को फाइंड आउट करने का। अब सुपरविजन जो है वो एक हेड भी हमें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो इंस्पेक्शन है ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन होते हैं अक्सर, मोस्टली ये जो इंस्पेक्शन होती है ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है। जैसे हमारे स्कूल्स में इंस्पेक्शन के लिए डिफरेंट एजेंसीज के लोग आ जाते हैं, या फिर डिफरेंट ऐसा भी होता है कि हमारे अपने इदारे के लोग भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, जैसे हमारी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इंस्पेक्शन कर लेती हैं। अब जो हमारे स्कूल का हेड होगा वो हमें सुपरविजन प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन जो हमारा हायर अथॉरिटीज़ का बंदा होगा वो हमारी इंस्पेक्शन कर रहा होगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी हो सकती है और ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन भी हो सकती है, लेकिन इंस्पेक्शन जो है ये आपकी गलतियों को पकड़ने का एक दूसरा नाम है। ठीक हो गया, अब इसमें एलिमेंट ऑफ फेयर पाया जाता है, कंसेप्ट ऑफ फेयर पाया जाता है, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसीज़ को, आपकी कमज़ोरियों को, आपके वर्क के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन का मेन मकसद ही एलिमेंट ऑफ फेयर क्रिएट करना होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि इंस्पेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट वायलेशंस ऑफ रूल्स, या हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा भी करके बता सकते हैं। ठीक हो गया, अब इनमें मेन डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि जो सुपरविजन है उसमें एलिमेंट ऑफ असिस्टेंस पाया जाता है, एलिमेंट ऑफ कॉपरेशन पाया जाता है, फ्रेंडली होती है ये, लेकिन जो इंस्पेक्शन होती है ये बेसिकली इसमें एलिमेंट ऑफ फेयर एग्जिस्ट करता है और यही चीज़ इसको मुमताज़ करती है सुपरविजन से। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरविजन को एक टच दे देते हैं, ये इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपके माइंड में इनका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पेपर्स में सम टाइम इसके हवाले से क्वेश्चंस आए हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट सुपरविजन जो होती है वो क्या होती है कि जो सुपरवाइज़र होता है वो हर वक्त काम जिस जगह पे हो रहा होता है ना वहाँ पे मौजूद रहता है और टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है। ठीक हो गया, अब जो इनडायरेक्ट सुपरविजन है उसमें आपके सुपरवाइज़र का हर वक्त मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे के एक साइड पर हो जाता है, लेकिन फिर जब वो चेकिंग करता है तो वो चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है। और जो करेक्टिव सुपरविजन होती है ना, करेक्टिव सुपरविजन थोड़ी थोड़ी इंस्पेक्शन से मिलती जुलती होती है, आप ऐसे समझ लें। करेक्टिव सुपरविजन में जो सुपरवाइज़र होता है उसका रवैया थोड़ा सा सख्त होता है और अगर काम सही नहीं होता तो आपकी शिकायत जो है हायर अथॉरिटीज़ को भी कर सकता है, लेकिन इसका मेन मकसद जो होता है ना करेक्टिव सुपरविजन का, वो ये होता है कि आपको आपका काम में जो मिस्टेक्स हैं ना उनको फाइंड आउट करके और उसको इंस्पेक्शन से पहले ही उनमें बेहतरी लाई जा सके। ठीक हो गया, उसके बाद होती है प्रिवेंटिव सुपरविजन। जो प्रिवेंटिव सुपरविजन है उसमें आपका जो सुपरवाइज़र है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, आपको सजेशंस देगा
के मतलब किसी भी काम के हवाले से प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस देगा आपको, कि मतलब क्योंकि उसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस मौजूद होगा तो वो आपको वैसे पहले ही आगाह कर देगा कि फ़लाँ फ़लाँ स्टेज पे आपको फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपने इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ये स्टेप्स लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्रिएटिव सुपरविजन जो होती है, क्रिएटिव में कोई नया काम सिखाया जाता है, अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है और आपको इंस्पायर किया जाता है पॉजिटिव वे में कि आप वर्क करें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ऑटोक्रेटिक सुपरविजन की बात करें तो इसमें जो सुपरवाइज़र होता है उसका रवैया आपसे थोड़ा सा सख्त होता है। थ्योरी एक्स को माइंड में रख लें कि थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग एक मैनेजर या जो लीडर है वो जैसा हो सकता है, तो वर्कर्स जैसे हो सकते हैं, तो ऑटोक्रेटिक जो सुपरविजन होता है, सुपरवाइज़र होता है, वो सेम वैसा ही होता है, उसका रवैया थोड़ा सा सख्त होता है लेकिन वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहा होता है। डेमोक्रेटिक में ये होता है कि उसका जो रवैया होता है थोड़ा सा लीनियंट होता है। ऑटोक्रेटिक में जो सुपरवाइज़र होता है उसके लिए ये स्लोगन बेस्ट रहता है कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। ठीक हो गया। जैसा उसने कह दिया वैसा ही करना पड़ता है, लेकिन डेमोक्रेटिक में ये है कि आपको थोड़ी बहुत आज़ादी दी जाती है, फॉलो तो रूल्स को ही करवाया जाता है लेकिन आपको आज़ादी होती है कि आप अपने अंदाज में उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद लीजिस फेयर अगर सुपरविजन को देखें तो लीजिस फेयर सुपरविजन जो है उसमें जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो सारा काम आप लोगों पे डाल देता है। क्यों डालता है? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेरी टीम अच्छा वर्क कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो काम चोर होता है और वो काम से बचने के लिए अपने काम आप लोगों पे डाल देता है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ अपने कोवर्कर्स पे अपने सबॉर्डिनेट्स पे डाल देता है, बल्कि वो ट्रस्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स पे, इसलिए वो उन पे डाल देता है। उसको पता होता है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो अच्छा वर्क मुझे प्रोड्यूस करके देंगे। इसके अलावा एक और सुपरविजन भी होती है जो कि ब्यूरोक्रेटिक होती है, तो उसमें यह होता है कि पूरी एक हायरार्की खड़ी की जाती है सुपरवाइज़र्स की भी, सीनियर सुपरवाइज़र, जूनियर सुपरवाइज़र और डिफरेंट पोस्ट होती हैं सुपरवाइजर्स की, तो वो फिर अपने पोस्ट के हिसाब से आपसे काम लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, अगर मीनिंग का डिफरेंस देखें तो जो सुपरविजन है वो मैनेज करती है, वो डायरेक्ट करती है एक प्रोजेक्ट को या एक डिपार्टमेंट के डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, पॉजिटिव वे में कोशिश करती है। लेकिन अगर हम बात करें इंस्पेक्शन की, अगर हम बात करें इंस्पेक्शन की, तो जो इंस्पेक्शन होती है इसमें एलिमेंट ऑफ फेयर पाया जाता है और ये फाइंड्स फॉल्ट पे वर्क करती है, मतलब आपकी डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करती है। अगर इनका काम देखा जाए तो सुपरविजन जो है काम किसी भी प्रोजेक्ट के काम को सही अंदाज में परफॉर्म करने में मदद करती है, लेकिन जो इंस्पेक्शन होती है काम हो जाने के बाद, सुपरविजन तो काम के दौरान में आपको हेल्प फुल प्रूव हो रही है ना, लेकिन जो इंस्पेक्शन है जब आपका काम ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद उसकी एवेल्यूएशन करती है कि काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ, हाउ वेल है, हाउ गुड है या नहीं है, बल्कि वो आपके फाइंड्स को फॉल्ट करती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर सुपरवाइज़र को देखें तो मोस्टली सुपरवाइज़र जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पर्सन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, समटाइम सुपरविजन जो है वो एक्सटर्नल पर्सन भी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है 80% केसेस में कि जो सुपरवाइज़र होता है वो आपकी कंपनी का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा होता है, लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो एक्सटर्नल पर्सन होता है, कभी भी अंदर का बंदा नहीं होता, कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं होता इंस्पेक्शन जो करता है। जैसे आपके स्कूल्स में MEAs आते हैं तो वो आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए ही आते हैं और थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है। अच्छा, वो मॉनिटरिंग के लिए भी आते हैं और इंस्पेक्शन के लिए भी आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सम केसेस में मैंने ऐसा देखा है, डिफरेंट बुक्स में भी मैंने ये देखा है कि जो इंस्पेक्शन है वो भी सम टाइम अंदर के बंदे का आ रहे होते हैं। जैसे हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम एग्जाम्पल लें तो उसमें यह होता है कि हमारे जो डिप्टी DEOs DEOs ये जो हमारे स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन जो सुपरवाइज़र है वो 80% अंदर का बंदा होता है और 20% जो है वो एक्सटर्नल पर्सन होगा, लेकिन जो इंस्पेक्शन है उसमें 50-50 चांसेस, आप समझ लें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर टाइम की बात करें तो जो सुपरविजन है वो काम के दौरान में, काम के ख़त्म होने तक, काम के स्टार्ट से लेके काम के ख़त्म होने तक, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, लेकिन इंस्पेक्शन का काम क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो एंड में उसकी वैलिडेशन करता है। ठीक है। अब सुपरवाइज़र जो है वो आपको गाइड करने के लिए होता है, जो इंस्पेक्शन होता है वो आपकी एवेल्यूएशन के लिए होता है कि काम कितना अच्छा हुआ और कितना बुरा हुआ, ठीक है, कितनी परसेंटेज तक उसको अचीव किया गया। होपफुली आपको इनका डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं जी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या होती है? मॉनिटरिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ये होती क्या है, ये ड्यूरिंग प्रोसेस होती है और ये कंटिन्यूस होती है, जो मॉनिटरिंग होती है। ठीक हो गया, ये मैनेजमेंट के फॉल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, सुपरवाइज़र के फॉल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए होती है। ठीक हो गया, अब ये सिस्टमेटिक होती है, इसका मतलब ये है कि ये एक मुनासिब वक्ते के बाद की जाती है। जैसे मॉनिटरिंग करते हैं हमारे स्कूल्स में MEAs, तो वो हर महीने आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद होती है। ठीक हो गया, अब मेंटोरिंग की अगर हम बात करें ना, तो जो मेंटोरिंग है ये असल में एक टाइप ऑफ हेल्प है जो कि किसी रिलेशनशिप के नतीजे में आपको मिलती है। ठीक है, अब सुपरविजन और मेंटोरिंग में डिफरेंस क्या है, सुपरवाइज़र जो होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर होता है, वो स्केल में भी आपसे बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन मेंटोरिंग के लिए आपसे एज में बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है, स्केल में बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपसे जूनियर पर्सन भी आपको मेंटोर कर सकता है, आपके इक्वल लेवल का बंदा भी आपको मेंटोर कर सकता है। ठीक हो गया, ये होता है मेन डिफरेंस मेंटोरिंग और सुपरविजन में। और मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग में ये डिफरेंस होता है कि जो मेंटोरिंग होती है ये सिस्टमेटिक नहीं होती, जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप अपने मनपसंद बंदे से या जिसको आप अपना मेंटोर मानते हैं आप उससे मेंटोरिंग ले लेते हैं, लेकिन जो मॉनिटरिंग होती है ये सिस्टमेटिक होती है, ये मुनासिब इंटरवल्स के बाद टेक प्लेस करती है, मतलब एक टाइम के बाद अपने ही टाइम पे, जैसे MEAs मंथली हमारे स्कूल्स को चेक करने के लिए आते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था इनमें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।